ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء خاتم الانبیاء فخر انسانیت محسن اعداء میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبی سیدنا کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دی وقار بزرگو قابل صد احترام سننے والی روحانی عزتاں والی ماؤ معززات بہنوں دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تہاڈا ایتھے مل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک والی بابرکت پر رونق محفل مجلس نو فرض دی ادائیگی نو اس حاضری نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ پڑھیے پڑھائیے سنیے سنائیے اللہ سونا او دے تے عمل دی وی توفیق عطا فرمائے تو محترم انتہائی اختصار نال توجہ فرمانا پچھلے جمعے میں اعلان کیتا کہ انشاءاللہ اج اسی کچھ مسائل بھی بیان کران گے عشرہ ذی الحجہ دے بارے اندر عشر دس نو بول دے نے اے عشرہ دساں دناں نو اے ذی الحجہ دا عشرہ کہ سانو ان دناں دے اندر کیڑے کیڑے معاملات کرنے چاہیدے نے کیڑے معاملات تو رکنا چاہیدہ ہے کن کماں دا حکم دتا گیا اور کن کماں تو منع کیتا گیا منع دے اندر
खास जिहड़ी चीज़ है वैसे ते अल्लाह दियां हलाल करदा या हराम करदा चीज़ां हलाल करदा हलाल ने हराम करदा हराम ने हुदूदो कुयूद पैमाने अल्लाह ने मुंतखब कर छड़े फरमा छड़े। अशरा ज़िलहज्जा दे इब्तिदा दे अंदर जिस तरह हुण चंद चढ़े है चंद चढ़न तो पहले पहले अपनी हिजामत वगैरह बनवा सकते हो नाखून कट सकते हो बाल उखेड़ सकते हो पढ़ सकते हो लेकिन जदों चंद नज़र आ जाए फिर जिन्हें कुर्बानी करनी वह भी तो जिन्हें नहीं करनी वह भी यह मसले की बात है कि जिहड़ा बंदा कुर्बानी करना चाहता है एक घर के सारे अफराद की तरफों कुर्बानी होती है ना जी तो सारे अफराद ये अंदर आएंगे अपने नाखून वगैरह पहले तराशन बाद अंदर फिर कुर्बानी करने तो बाद फिर अपने बाल वगैरह तराशन ये बड़ी बात मसले की जिन्हें कुर्बानी नहीं करनी एक रिवायत आती है कि नबी इस्लाम ने फरमाया उन्हें कुर्बानी का सवाब मिलेगा वो नीयत कर लवे फरमाया हदीस पाक अंदर आंदा अगर तुम में से कोई इरादा रखता हो इरादा रखता है इरादा है कर नहीं सकता तो नाखून बाल बढ़ गए बाद में काट लिए अल्लाह पाक उसको भी कुर्बानी का सवाब अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक बात और बड़ी सख्त बात है बड़ी क्रख्त बात है वो सख्त जी सख्त गल होंगी है ना जरा वो थोड़ी जी बंदे झुंझेड़ती है तो खिंचती भी है। दस दिन बड़े खूबसूरत कटे असल बड़े प्यारे दस दिन गुजारे हूँ दस दिन गुजारने तो बाद दिन आया दस ज़िलहज्जा वाला सुबह दिन नमाज पढ़ी बाद चो ईद नमाज पढ़ी माशाल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिता कुर्बानी का जिदे ते साहिब इस्तेतात सी जिदे ते मतलब जेड़ा इस्तेतात रखता सी जिन्हू अल्लाह ने रुपया पैसा दिता सी उन्हें कीती कुर्बानी। अच्छा कुर्बानी ते कर ली अल्लाहु अकबर कबीरा ते फिर एदे तो बाद खराश तराश वास्ते हुजाम दी दुकान अंदर वड़िया ते कहण लगे यार उन्हां भी ए भी मामला जेड़ा ना आ नबी सोने ने जिहड़ी झंडी दित्ती है वी झंडी भी ला दे तू ते बराए मेहरबानी इज्तनाब करो बचो जिन्ना बच सकते हो अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कड़ी दाढ़ी के मौजूद फिर कभी गुफ्तगू करांगे इंशाल्लाह ते बाहर कैफ इनू भी उस दिन बख्श दिता करो जिवें दूसरे कम्मां नू बख्श दियो जान छड़ दिंदे हो कि यार अल्लाह का हुक्म है इवें इहदी भी जान छड़ दियो इह भी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह पाक मैनू तुहानू सभना नू दीन दे कारबंद बनाए अल्लाह पाक पाबंद बनाए अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनदियां जाणा जी इन्हां दसां दिनां दे बारे अंदर अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अपनी पाक कलाम अंदर इरशाद फरमाया फरमाया जी वल फजर वलयालिन अशर फरमाया अल्लाह सुबहानहू व तआला ने फरमाया कसम मैनु फजर दी फजर की कसम अल्लाह ने उठाई है ना नाले फरमाया वलयालिन अशर और इन दस रातों की मैनु कसम अल्लाह कसमा उठा करके बात कर रहे ने ना अल्लाहु अकबर कबीरा मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन से नजदीक अल्लाहु अकबर ए ज़िलहज्जा दिया इब्तिदाई दस रातां ने ना जिन्ना दिया अल्लाह ने कसमा खादिया ने ना अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह और अल्लाह सुबहानहु व तआला दा इन्ना दिना दी कसम खाना इन्ना दी अजमत ते फजीलत ते सब तो वड्डी दलील है कि अल्लाह इन्ना दिया कसमा उठा रहा है ना अल्लाहु अकबर ओ कोई अजमत वाली शय होएगी ते अल्लाह ओदी कसम उठाएगा ना किधरे फरमाया लाक़सिमु बिहाज़ल बलद अल्लाह ने कसमा खादिया ने ना अपने मक्के दिया कसमा मेरे नबी दे उस शहर दिया कसमा खादिया ने ना किधरे अल्लाह सुबहानहु व तआला किस अंदाज़ दे अंदर अल्लाह जेड़ी चीज दी कसम खा लैन ओदियां ते अजमता मैं कहना बाणी जांदियां ने आपे ही हो जांदियां ने अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अजमत वाली चीज अजमत वाले दे दिहाड़े ते रातां अल्लाह ने इन्हां दियां कसमां खादियां ने ना अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह क्योंकि बंदियां नू चाहिदा कि ना खूब इन दिनों दे अंदर मेहनत करदियां होयां आमाले सालेहां नू कठियां कीता जाए नफल भी कीते जान ते फर्ज भी पूरे कीते जान
अल्लाह अकबर कबीरा सदका खैरात कीता जाए। इन दिनों के अंदर रोजे रखे जान, इन दिनों के अंदर ज्यादा तो ज्यादा इबादत कीतियां जान। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, क्योंकि अल्लाह का फरमान है ना, फरमाया والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين। अल्लाह करीम ने फरमाया फरमाया और जेड़े लोग साडे दीन वास्ते कोशिश करते रहते ने ना, असी उन्होंने जरूर जरूर रास्ते भी खा देंगे, असी उन्होंने दियां राम उन्होंने रावां भी खा देंगे। दूसरा तर्जमा करिए तो उन्होंने दियां रावां सिद्धियां फरमा देंगे, सिद्धियां रावां ते चला देंगे ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। और फरमाया यकीन अल्लाह ताला नेक अमल करने वाले दे नाल होंदा है, अल्लाह नेकी करने वालियां दे नाल होया करदा है। बुराई शैतान दा मरकज है ना, जेड़े बदियां ते बुराइयां करदे ओ शैतान नूं राजी करदे ने, जेड़े नेकियां करदे ने ओ रब रहमान नूं राजी करने वाले। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। सुनदे हां जाना जरा नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दे फरमान पढ़ते जाइए, हुजूर दे मिठे मिठे फरमान, मेरे नबी दियां सोहणियां सोहणियां ते प्यारियां प्यारियां अहादीस बयान करदे जाइए। अल्लाह इन सुन्नत इन हदीसां नूं सुन करके इन्हां ते अमल करने दी तौफीक अता फरमा देवे। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला, हजरत जाबिर बयान करते ने ना, अल्लाह दे नबी ने फरमाया अफजलु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अशर, फरमाया के अल्लाह सुभानहु व तआला ने यानी अशर जिल हिज्जती, अल्लाह सोने ने जनो दुनिया बनाई है ना, दुनिया के अंदर अल्लाह ने सारे दिन के मुकाबले के अंदर ये 10 दिनों नु ज्यादा अफजल जाने है। ये 10 दिन ज़िलहज्जा अशरा ज़िलहज्जा यानी ये जड़ा अशरा ज़िलहज्जा है ना, ये अल्लाह ने ज्यादा फजीलत वाला जाने है ना। अल्लाहु अकबर ला ला। फरमाया अकील इस्तफसार करते ने सहाबा, इस्तफसार करते ने या रसूल अल्लाह वला मिस्लुहुन फी सबीलिल्लाही, अल्लाह दे रसूल एदी मिसल, अल्लाहु अकबर कबीरिल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी दे सहाबा अर्ज करते ने ना अल्लाह दे रसूल क्या इतने ही दिन जिहाद अंदर गुजारे जान, क्या वो भी इन्हां दे बराबर नहीं ने ना। फरमाया वला मिस्लुहुन फी सबीलिल्लाह, नहीं 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 इल्ला मगर रजुल नफर वजूहु फितराब, हत्ता के बंदा अल्लाह दी राह च निकले माल जान लैके ते दोवें ही वापस लैके ना मुड़े, ओ बंदा अलबत्ता ओ बंदा ज्यादा फजीलत वाला है, यानी उन्हें फजीलत वाला अमल कीता। बाकी नहीं दसो किन्ने जिहाद ते निकलदे ने, किन्ने बंदे अपना माल लैके अपनी जान लैके जिहाद ते निकलदे ने ते वापस नहीं लौटते। अल्लाहु अकबर, हुण पता लग्या ना कि कितना बेहतरीन और कितना बड़ा अमल। अल्लाहु अकबर, 405 हदीस ने ना अल्लाह दे नबी कोलों सवाल कीता गया या रसूल अल्लाह, फरमाया अल्लाह अर्ज कीता अल्लाह दे रसूल क्या ये जेड़े दिन ने ना इन्हां दिनां दे अंदर अल्लाह दे नबी जी बंदा इन्हां दिनां नूं गुजारदा एक मुजाहिद जांदा है ना जिहाद ते, ओ बेहतर या ओ बेहतर। फरमाया कि ओ अपना माल लैके जावे अपनी जान लैके के जावे, दोवां चीज़ां चो कोई वापस ना मोड़े। 405 हदीसां दा मिक्स करके तर्जमा बयान कर रहे हैं। अल्लाह दे नबी ने फरमाया नहीं 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 नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। रावी ए हदीस बयान करते ने ना कहते ने के इन अहादीस दी बिना ते हजरत सईद बिन जुबैर बहुत बड़े जलीलुल कदर ताबी ने ना एक जदों अशरा शुरू हुंदा ज़िलहज्जा वाला, हजरत सईद बिन जुबैर इतनी ज्यादा इबादत करते, इतनी इबादत अंदर मेहनत करते के दूसरियां वास्ते उन्हां वर्गी इबादत करना मुश्किल हो जांदा, इतनी ज्यादा इबादत करने वाले। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह।
अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं अर्ज करता जावां लिहाजा सानू भी चाहिदा है सलफ सालेहीन दे तर्ज़े अमल नूं वेखदियां होइयां असीं भी इन्हां दिनां दे अंदर ज्यादा तो ज्यादा इबादत करिए। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, क्योंकि कोई भी अमल अमले खैर नेकी वाला अमल भलाई वाला अमल जिहड़ा बंदा करदा है जिहड़ा अजर व सवाब अल्लाह ताला इस आशरे दे अंदर अता फरमांदे ने ओ किसे होर आशरे दे अंदर नहीं अता फरमांदे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इहदियां खुसूसियात बयान करदा जावां। इन्हां दिनां दे अंदर भी एक दिन यौमे अरफा वाला है। यौमे अरफा हज का सब तो वड्डा रुकन जेड़ा वकूफ अरफा, वकूफ अरफा जिन्हों बोलिया जाता हज का सब तो बड़ा रुकन यौमे अरफा। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा इस दिन का रोजा रखेगा उदे एक साल पिछले दे ते एक साल अगले दे गुनाह मुआफ फरमा दिते जाणगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। यार गल पता की प्यारे हो, अल्लाह पाक ना, अल्लाह पाक ने सुभान का मतलब भी पाक है, हर ऐब और हर नक्स से पाक जात उसको सुभान बोला जाता है। हर ऐब और हर नक्स कोलों पाक उन्हों सुभान आखिया जाता है। अल्लाह सुभान है ना, अल्लाह पाक है। अल्लाह जिहड़ी चीज नूं चाहवे फजीलत आला बना देवे, अल्लाह जिहड़ी चीज नूं चाहवे मेरे तेरे वास्ते बहाने बना देवे कि लै बंदिया अब बहानियां नाल ही तैनूं मुआफ फरमाना है। अल्लाह की कसम जदों शरीयत दा मुतालिया करीदा ना, जदों रब की रहमत और इस तरह के मसाइल पढ़ी देने तो फिर इंज लगता है कि अल्लाह पाक ने तो सिर्फ और सिर्फ बहानियां नाल मुआफ फरमाना है। तौहीद परस्तां नूं, मुवाहिदीन नूं अल्लाह बहानियां नाल मुआफ फरमाणगे। ते अल्लाह की कसम जे उत्थे किसे दा परचा खुल गया ना, उत्थे किसे दा लैपटॉप खुल गया उत्थे किसे दा, ते जे खुल गया ते उत्थे फिर पैर छड़ना मुश्किल हो जाएगा, उत्थे फिर बंदा बच नहीं सकदा। फसौफ युहासब हिसाबन यसीरा। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एदी तफसीर अंदर बयान फरमांदियां ने, आसान हिसाब ए वे कि अल्लाह सुना हिसाब लवे ही ना, ए वे असल आसान हिसाब। इस करके दुआ कीता कर अल्लाह, अल्लाह साडा हिसाब ना लई बिन हिसाब दे, अल्लाह सानू सानू माफ फरमा दी अपनी रहमत दा फेरा पाके। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। इन्ना दिना दे अंदर यौमे अरफा ना, अल्लाहु अकबर कबीरा के ओ अजीम दिन जिस दिन अल्लाह सुभानहु व तआला अहले अरफात वास्ते आम मगफरत ऐलान फरमांदे ने ना, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह फरमांदे ने मुआफिया जाओ जाओ जाओ, अज दे दिन मैं तुहानू जहन्नम तो आजादी दे छोड़िए जन्नत दे हकदार बना छोड़िया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। मैं कहना के बाकी एदी फजीलत दे अंदर होर भी अहदीस ना आंदियां ते इक्को अरफा वाली बात ही काफी सी ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। इन्हां दिनां दे अंदर इक यौमे नहर भी है ना, असीं उस दिन कुरबान नहीं करने आ। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। बाज़ उलमा दे नज़दीक ए यौमे नहर कुर्बानी दा दिन जेड़ा है साल दे थारियां दिनां तो अफज़ल है ना, क्योंकि अल्लाह दे नबी दा फरमाने आली शान है ना। सुन नबी दाऊद शरीफ अंदर रिवायत मौजूद है, अल्लामा अल्बानी ने दे ते सही दा हुक्म लगाया है ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अअज़मुल अय्याम इंदा यौमुन अल्लाह दे नबी ने फरमाया अल्लाह दे नज़दीक सब तो ज्यादा बावकार और अजमत वाला दिन कुर्बानी वाला दिन है यौमे नहरे। अल्लाहु अकबर। यानी दस ज़िलहज्जा दा दिन है ना। फिर एदे तो बाद अल्लाह दे नबी ने फरमाया यानी ग्यारहवां दिन यानी ग्यारह ज़िलहज्जा, ज़िलहज्जा की ग्यारह तारीख एदे तो बाद ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। सुन दिया जाना जरा, इन अय्याम दे अंदर बहुत सारियां इबादतां जमा हो जांदियां ने ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्ने हजर, अल्लाह इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी दे अंदर लिखदे ने ना, कहंदे ने अशरा ज़िलहज्जा दी इम्तियाज़ी फजीलत दा सबब इत्थों मालूम होंदा है कि सारियां अहम तरीन इबादतां इस आशरे के अंदर जमा हो जांदियां ने। और केड़ियां केड़ियां ने, नमाज फर्ज ते है ही है, नफली बद जांदी है, रोजा
दो तरह दियां रिवायत आंदियां ने। अल्लाह दे नबी ने पूरे नौ दिन दे रोजे रखे, पूरे लगातार पैदर पै नौ दिन दे रोजे रखे। अम्मा जी आयशा वाली रिवायत आंदी है, अम्मा जान फरमांदियां ने कि हुजूर ने कभी रखे ही नहीं ने ना, एदी मुख्तलिफ किस्म दियां बहास ने ना, बार कैफ रोजे एदे अंदर बंदा रोजा रखता है ना, अल्लाह अकबर सदका खैरात करता है, हज करता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुण मनासिक हज ते उमरा अल्लाह ने दा सवाब की रखिया है ना, फरमाया अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा फरमाने आली शान आ गया। अल्लाह दे नबी ने फरमाया एक उमरा बाद वाला दूसरा उमरा, यानी बंदे ने एक उमरा कीता फिर कुछ देर बाद दूसरा उमरा कीता, फरमाया ए दरमियान वाले गुनाहां दा कफारा है, रिज़क भी वद्दा है। एक होर हदीस पाक ज़हन अंदर आ गई, पै दर पै जिहड़ा उमरे करदा उहदा रिज़्क भी वद्दा है, पै दर पै उमरे करन नाल, पै दर पै उमरे, उमरे ते उमरा कीती जा रहा है। अल्लाह अकबर। कई ना बाज बदबख्ते इंजदे ने लिबरल लिबरल सैकुलर ख्याल लिबरल उवें उवें मुसलमान, और जिवें इक जिन्हें अपना लाया सी इजराइली झंडे दा निशान ते कैंप लाया इस्लामाबाद अंदर बैठा रहा, की कह रहा सी ज़ायनिस्ट अक्सर लोग कहते लो जी कुर्बानी कर लो, साथ में बेटी चाहे ब्याहने वाली बैठी हो, फलाना अमल कर लो, सदके कर लो, खैरात कर लो, जकात दे दियो, हज कर लो, उमरे कर लो, वो हाजी तेनू की पता तेरे पिछे काम इन। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने जिन्हों जिवें खर्च करन दा अल्लाह ने तौफीक दिती वह करे, रोकते क्यों, कहते क्यों? तो आप अपने हाथ च तीन तीन लाख रुपए का मोबाइल पकड़ के ऐसा बातें कर रहे होंगे, भाई इन वेच के ला ना किसी गरीब से, तू है सिर्फ मुसलमाना दियां इबादत, कुर्बानी क्या करी, रहने दे कुर्बानी कुर्बानी, वो बेटी को शादी करो कुर्बानी बोलो, कुर्बानी से भी बड़ा सवाब, वो भाई कुर्बानी कुर्बानी है, अल्लाह पाक ने हुक्म दिता फर्ज है, फर्ज ओदे ते जिहड़ा इहदी ताकत रखता है, हिम्मत इस्तेआत रखता है, हज भी फर्ज है जिहड़ा उहदी हिम्मत ताकत रखे, एक बारी तो कम अज कम फर्ज है ना मुसलमान, जदों तेरे कोल ताकत होवे, हुण तू बना लै करोड़ दो करोड़ की बिल्डिंग बना लै, प्रॉपर्टी बना लै 50-60-70 लाख की, ना घर अज कह हले तक मेरे ते इस्तेआत ही नहीं, जो मैं वैल होवांगा ना, जो मैं अच्छा होवांगा उदो कर लवांगा, लिबरल ख्याल लोगों की बातें ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक उमरा बाद वाले दूसरे उमरे के दरम्यान अंदर जेडे गुनाह हो जाते हैं ना, इन्हों गुनाहों का कफारा है, और हुजूर ने फरमाया जेड़ा हज्जे मबरूर है ना, जिद अंदर बंदा कोई गुनाह ना करे और पैसा हलाल का हो, उस पैसे दे नाल हज करे, हज दे अंदर कोई गुनाह ना करे, फिस्को फजूर ना होवे, और भी दूसरे मामलात रिया ना होवे, आके नहीं जी लोग मैनू आखणगे वड्डा हाजी है ना, अल खाजे एते हाजी साहब है ना, ऐसी बात ना होवे, जमा ना होवे, फिस्को फजूर ना होवे, गंदियां बातां ना होण, बिल्कुल पाक हज करने वाला हज्जे मबरूर। अल्लाह अकबर। अल्लाह कोलो दे वास्ते जन्नत तो इलावा कुछ भी नहीं। हदीसे पाक दे अल्फाज ने सेम अल्फाज के जेड़ा बंदा हजरे मबरूर करता है अल्लाह कोल जन्नत तो इलावा होते वास्ते और कोई बदला ही नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत देवे ही देवे। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। एते हाजे ना भी ऐसे अशरे दे अंदर रोजा रखना, अल्लाहु अकबर ये भी अमले साले, यानी जितने भी नेक अमल ने ना अल्लाह दे हुजूर महबूब तरीन अमाल जेड़े ने ना, वड्डे अफजल अमाल ने ना, उन्हां दे विचों एक रोजा भी है ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत अबू सईद खुदरी चेहरे नू जहन्नम तो 70 साल दूर फरमा देंदे ने। रोजा एक रखन वाला जन्म किन्नी दूर हो गई चेहरे तो,
70 साल चली गई। अल्लाह अकबर लाला हुण जिहड़ा बंदा है ते आम रोजे दी फजीलत ना हुण बंदा अशरा जिलाजा दे अंदर जिहड़ा रोजा रखेगा ओनू ते यकीनन ज्यादा तो ज्यादा ही सवाब अल्लाह अता फरमाणगे। अल्लाह अकबर लाला सुनदियां जाना जरा पहले मैं बयान कर चुकिया ना हुजूर दे रोजियां दे बारे अंदर हुजूर ने 9 दिनां दे अंदर रोजा रखिया भी हजरत आयशा फरमांदियां ने हुजूर ने नहीं रखिया लेकिन उलमा मुहद्दिसीन नमाज से अदा करनी है नफली जान नहीं देनी नफल ज्यादा तो ज्यादा नवाफल ज्यादा तो ज्यादा ए बारे अंदर एक हदीस पाक सुनांदा जावा मेरे तेरे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा बयान करते ने कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला काला बेशक अल्लाह सुभानहु व तआला फरमांदे ने ना मन आदाली वलियन फकद आज़न्तुहु बिल हर्ब। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि अल्लाह सुना फरमाउंदा है अल्लाह जी फरमांदे ने ना कि जेड़ा बंदा मेरे किसे बेली नाल मेरे वली नाल मेरे दोस्त नाल जेड़ा बंदा दुश्मनी रखता है वो समझे कि उन्हें अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमांदे ने कि मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग फरमा देना। इस हदीस की इब्तिदा कि जेड़ा बंदा मेरे बेली नाल मेरे वली नाल दुश्मनी रखता है अल्लाह फरमाते ने मैं उहदे नाल ऐलान जंग फरमा देना मेरी मेरा उहदे नाल ऐलान जंग है। अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाया और मेरा वो बंदा मेरे सब तो ज्यादा करीब है जिहड़ा जिहड़े मैं उहदे ते फराइज़ दा हुक्म दिता ते उहनां नूं पूरा करने वाला फर्ज नहीं छड़दा जिन्नियां चीज़ां मैं फर्ज कीतियां ने फर्ज नहीं जान देंदा फर्जां दी अदायगी करने वाला अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे करीब है और मैनू सब तो ज्यादा महबूब है। फिर फरमाया कि मेरा वो बंदा जेड़ा नफलां दे जरिए मेरा कुरब हासिल करता है जेड़ा नफल पढ़ी ही जाता बैठा तो वजू किया तो नफल नीत लेने दो नफल पढ़ लै फिर दो पढ़ लै फिर दो पढ़ लै नफलां नाल रब नू राजी करता है फर्ज ते करता ही का फर्ज ते अदा करता ही करता है लेकिन नफलां दे जरिए मेरे करीब होता है मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। अल्लाह फरमांदे ने इथों तक वो नफल नफली इबादत इथों तक करता कि मैं उहदे नाल मुहब्बत करन लग जाना यानी नफलां दी वजह तो मैं उहदे नाल मुहब्बत करन लग जाना मैं उहदे नाल मुहब्बत कर लैना। अल्लाह फरमांदे ने कि मैं कल्ली उहदे नाल मुहब्बत नहीं करदा मैं कल्ली उहदे नाल प्यार नहीं करदा अल्लाह फरमांदे ने मैं उहदे कन्न बन जाना जिन्हां नाल उह सुणदा है मैं उहदियां अक्खां बन जाना जिन्हां दे जरिए उह वेखदा है ना मैं उहदा हथ बन जाना जिहदे उह जरिए पकड़दा है मैं उहदे पाँव बन जाना जिन्हां दे जरिए उह चलदा है। कई बंदे अकीदा वहदतुल वजूद रखने वाले हर शय में खुदा नजर आता है मैनू हर शय च रब दिसदा एहो जी बड़ी कवालियां भी कोई एहो जी मार्केट मैनू हर जगह ते रब दिसदा वी रब वहदतुल वजूद वाले कहंदे ने वेखो ना अल्लाह बने के अल्लाह हाथ बनते नहीं अल्लाह फरमान नहीं नबी पाक दा अल्लाहू अकबर अल्लाह इहदा मतलब है कि मैं उहदे पूरे दे पूरी बॉडी नूं पूरे जिस्म नूं मैं अपनियां तांत ते फरमा बरदारी ते ला लैना ये हाथ पैर। मैं एक दिन बात कर रहा सके कि साढ़े से ना बहुत ज्यादा कमियां ने कोई एक मुसलमान ऐसा हो जाए जिहड़ा सारियां ही अल्लाह दियां मन्ने सारियां टोटल जिन्नियां बातां ने रब दियां मन्ने तो जदों अपनी गल करेगा ना तो रब ओदी मन्नेगा अल्लाह अकबर। इसे हदीस अंदर मेरी बात की तईद भी होगी इंशाल्लाह कि जदों बंदा टोटल अल्लाह का हो गया हर चीज़
हर अपने हर सारे दे सारे मामलात नू उठना बैठना सोना लेटना खानदान शादी ब्याह दीगर टोटल मामलात सारे नबी अली सलाम दे दसे हुए तरीके दे मुताबिक ते अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक जेड़ा करन वाला बंदा है ऐसे बंदे ते यकीन जानो मुस्तजाब दावात होया करदे ने उन्हां दी ते जुबान चो गुगल निकले अल्लाह फरमांदे ने कि मैं पूरी फरमा देना अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह यानी ओदे तमाम आज़ा नू मैं अपनियां तात ते फरमा बरदारी अंदर ला जा ला देना अगर वो मेरे को सवाल करता है मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फरमाते हैं मैं उन्हें जरूर भी जरूर आता फरमाऊंगा इत्थे ही बस नहीं अगर वो मेरी पनाह तलब करे अगर वो मेरी पनाह अंदर आना चाहे मेरी पनाह मेरे को आके आऊज़ु बिल्लाही अल्लाह सुनिया मैं तेरी पनाह तलब करना अल्लाह मैनू अपनी पनाह अंदर ले ले अल्लाह फरमांदे ने मैं उन्हें अपनी पनाह दे देना अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह यानी कि ना कोई भी नेकी दा अमल करना अल्लाह दे ताबे हो करके जनाबे रसूलुल्लाह दी फरमा बरदारी दे अंदर जेड़ा बंदा भी जिंदगी गुजारदा है वो अल्लाह दा वली है ते जेड़ा अल्लाह दे वली नु सतांदा है उनु कुछ आखना नहीं पेगा अल्लाह ने पहला ही फरमा दिता कि मेरा ओदे नाल ऐलान है जंग है जेड़ा मेरे वलियां दा दुश्मन है अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह तुसी वली किनो समझदे हो वली होए जेड़ा कुरान और सुन्नत दा पाबंद होवे जेड़ा शरीयत दा पाबंद होवे ओ वली है बाकी सब वले ने वली कोई नहीं वली ओ जेड़ा कुरान और सुन्नत दा पाबंद ना कुरान और सुन्नत नु पढ़ने वाला कुरान और सुन्नत नु मनने वाला कुरान और सुन्नत ते अमल करने वाला ओ अल्लाह दा वली है ए हाफिज़ कारी अल्लाह दे वली होया करदे ने ओला मैं ते अपना जे खतीब अपना जतीन दा तालिबे इल्म स्टूडेंट आ ना उलमा रब दे वली होया करदे ने ना इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल्लामा अल्लाहु अकबर जड़े उलमा ने ना ये अल्लाह को डरने वाले अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमा दिया जाना एक होर अगे तेनु हदीसे पाक सुनांदा जावा इस महीने इस इना 10 दिना दे अंदर 10 दिना दे अंदर नमाज फर्ज ते नफल ते पढ़ने ही पढ़ने नाल नाल जुबान जारी रखनी अल्लाह दा जिक्र भी करना है अल्लाह सुने दा जिक्र भी करना है अल्लाहु अकबर अल्लाह का जिक्र अल्लाह सोने के जिक्र के बारे अंदर बहुत ज्यादा मेरे को मवाद मौजूद है शायद 10-15 मिनट लग जाए लेकिन चार पांच मिनट के अंदर बात को इख्तिताम की तरफ लेके आवा अल्लाहु अकबर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला बयान करते ने ना अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सब तो ज्यादा अजमत वाला दिन और महबूब दिन जेड़े ने ना वो अशरा ज़िलहज्जा के दिन ने ना इन्हां दे मुकाबले के अंदर होर कोई दिन नहीं इन्हां दिनों के अंदर बंदा की अखिला अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान पढ़ सकता ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह आगे सुनदा जा अल्लाहु अकबर इना दा फायदा की है ना अल्लाह दी माहियत हासिल होंदी है बंदा रब दे नेड़े हो जांदा है ना अल्लाहु अकबर ला अल्लाह दूसरी रिवायत सुनांदा जावा अल्लाह ताला फरमांदे ने ना फरमाया आना इंदा ज़न्नी अब्दी बी मैं अपने बंदे नु ओदे गुमान दे मुताबिक मिलना माइंडसेट गुमान जिन्ना को कुछ सोचता है मेरे बारे अंदर जिन्ना जिमें को मेरे को ख्याल रखता है अल्लाह फरमाते ने मैं उम्मीद हो के उन्हें मिलना और जदों मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके नाल होना मैं उसके साथ होता हूँ जो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके नाल होना अगर वो मैं दिल अंदर याद करे तो मैं भी दिल अंदर याद करना अगर वो किसी महफिल मजलस के अंदर जमात अंदर याद करे तो अल्लाह फरमाते ने मैं ये देखो लो चंगी ते बेहतर जमात अंदर इनू याद करना अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह फरमाया अगर वो एक बालिश्त सोहनी तो लेकर के हद तक इनू बालिश्त बोलिया जाता है अगर वो मेरे बालिश्त करीब होंदा है अल्लाह फरमाते ने एक हथ जिन्ना मेरे नजर
नजदीक आंदा है ते मैं दोवें हाथों दे वास्ते फैला लेना। अल्लाह फरमांदे ने ना अगर वो चलदा होया मेरे कोल आए, अल्लाह फरमांदे ने कि मैं दौड़ करके ओदी तरफ जाना, मैं ओदे बल्ले भज पैना, को मेरे बल्ले चले, को मेरे बन्ने आवे, मेरे घर दे अंदर आवे, मस्जिद दे अंदर आवे। अल्लाह दे नबी दा फरमान है ना जिहड़ा मस्जिद अंदर जिन्नू तुसीं आउंदियां जांदियां वेखो ओदे ईमान दी गवाही दे दिओ, ओ मोमिन बंदा मस्जिद दी तरफ चलण वाला, अल्लाह दे घर दी तरफ चल के आण वाला, रब दी रज़ा वास्ते कुर्बानी लै करके कुर्बानी खरीदण वास्ते जाने वाला, हज वास्ते सफर करने वाला, नेकी ते सदका करने वास्ते दूर दराज इलाकियां दे अंदर जाने वाला। अल्लाह फरमांदे ने जिहड़ा मेरे बल्ले चलदा है मैं ओदे बल्ले दौड़ना वा, दौड़ करके ओदी तरफ आ जाना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। एक होर हदीस पाक सुनदियां जाना जिक्र दे बारे अंदर, हजरत अबू मालिक अशारी रजी अल्लाह तआला बयान करदे ने ना, ओ वीरे सारियां रिवायात सही बयान कर रहे हैं, हुक्म लगे ओ बिल्कुल सही तरीन रिवायात ने ना, ए बुखारी पाक दी रिवायत है ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनदियां जाना जरा हजरत अबू मालिक अशारी रजी अल्लाह तआला दा बयान है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अत्तहूरु शतरुल ईमानी वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान। फरमाया पाकीज़गी तहारत सफाई, पाकीज़गी तहारत सफाई, शीशे चमका के, थड़े चमका के, मकान उस रंग रोगन करके, साफ सुथरा करके, अच्छी कॉटन पा के, अच्छी लॉन पा के, ये तहारत पाकीज़गी साफ सुथरा होके ये भी है, वो जड़ी अंदर है ना अंदर, वो अंदरली ते बाहरली दोवें सफाइयां नूं पाकीज़गी बोलिया जांदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। फरमाया पाकीज़गी अद्दा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह ए जिहड़ा ना अजर और सवाब दे हवाले नाल अल्लाह दे तराजू नूं भर देने वाला, पाकीज़गी साफ सुथरे रहना है, अंदर भी साफ रखना है, कपड़े भी साफ पाने ने, गुसल फर्ज कीता अल्लाह ने जुमे वाले दिन, जेड़ा बंदा बीमार नहीं, बच्चे परेशान वो परा रहन, ते बाकी जिन्ना ते हुक्म है वो सारे गुसल करन जुमे दा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सफाई सुथराई करनी रखनी, पाकीज़गी अद्दा ईमान है। और कल्ला अल्हम्दुलिल्लाह की जानना यार रब दे जिक्र में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही कहेगा दिल से जो अकीदा तौहीद रखता होगा, जो मालिक को एक मानता जानता होगा ना, वही कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र है। लेकिन बड़े बथेरे कहने वाले कि जिन्हां नूं औलाद मिले आंदे ने पीरां दित्ता है, ना ही रख देंदे ने पीरां दित्ता। अल्लाहु अकबर अल्लाह वाले कहंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दित्ता है जी, एदा नाम अल्लाह डिबाया है, एदा अल्लाह वसाया है, अल्लाह दिखाया है, अल्लाह दित्ता है, जेड़े अल्लाह नूं मनन वाले होंदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान। और अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा ये तराजू नु भर दिंदा है अजर और सवाब नाल, इको दफा कहन नाल इन्ना काम बनदा है। अल्लाहु अकबर। सुनदियां जाना फरमाया व सुभानल्लाह व सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलाअनी औ तमलाअ मा बैन समावाति वल अर्ज। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। फरमाया सुभान सुभान अल्लाह ते अल्हम्दुलिल्लाह ए दोवें कलमे जमीन व आसमान दे दरमियानी खला नूं अजर व सवाब नाल भर देंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक होर हदीस पाक आखिर ते सुन लेना, ए चार कलमे अल्लाह नूं सब तो ज्यादा महबूब ने। हरज कोई नहीं कि पहले तुसी केड़ा पढ़िया, दूसरे नंबर ते केड़ा पढ़िया, तीजे नंबर ते चौथे नंबर ते केड़ा पढ़िया। कलमे केड़े ने सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अकूलु कौली हादा, अस्तगफिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।